बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अनार का दरख्त जो सर्दियों में बिल्कुल सूख जाता है, यानी मतलब ये है कि इसके सारे पत्ते जो है ना वो बिल्कुल गिर जाते हैं और फिर बहार में जो है ना वो नए आते हैं। यानी बस इंशाल्लाह जनवरी के एंड में इसके ऊपर नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं इसकी आज हार्ड प्रूनिंग करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा फैल गया है और मैं चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा स्मार्ट कर दूँ ताकि ये मेरे पूरे लॉन को जो है ना वो अफेक्ट ना करे। तो ये जो है ना ये बिल्कुल इसकी टहनियाँ फिर नीचे चली जाती हैं ज़मीन तक, तो फिर टेंशन बनती है बाकी पौधों के लिए। तो ये जो है ना ये यहाँ से ये देखें, एक तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है ना ये बिल्कुल ऐसे सीधा कर दूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा ये इसको तो काट दूँगी मैं बिल्कुल किनारे पे से, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये किनारे पे से जो है ना ये कटेगी, और उसके अलावा मैं इसको यहाँ से और यहाँ, यहाँ से नहीं काटूँगी, यहाँ से और यहाँ से काटूँगी क्योंकि ये मेन ब्रांच है। अगर इसको काट दिया तो ये पौधा सूख भी सकता है सारा, यानी पूरा दरख्त ये सूख जाएगा। तो काटने का तरीका होता है या तो और या फिर इसको जो है ना ये यहाँ से, ठीक है ना, या इन जगहों से काटा जाता है। अजान अजान हो रही है, वीडियो को मुख्तसर करूँगी मैं। बस ये देख लेंगे, इसको मैंने काट दिया है ताकि ये यहाँ से ब्रांचेस जो हैं वो निकल आएँ, ठीक है ना। यारी से मैंने अपने बेटे से कटवाया और ये यहाँ से भी देखें, अब ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ से भी काटना गलत था, ज़्यादा ऊपर से काटना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है कि जो है ना काम गलत हुआ है कि सही हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी या तो मोम लगा दूंगी या फिर मिट्टी मल दूंगी गीली, उससे ये होगा यहाँ फंगस नहीं लगेगी या किसी कीड़े का अटैक नहीं होगा। ये इस पर मैंने मोम जो है पिघला कर लगा दिया है कैंडल लेकर, और उसको कैंडल को आग लगा कर भी इसको इसके ऊपर आप फैला सकते हैं। और लेकिन ये है कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, कैंडल बार बार जो है वो बुझ रही थी, तो मैंने उसको ये किया कि एक स्टील के बाउल में सारी मोम को मेल्ट करके चूल्हे पे रख के उसको, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये गिरा दिया। तभी ये देखें ये थोड़ी सी नीचे भी आ गई है पिघल के गिर के। तो इसी तरह ये मैंने ऊपर भी जो है ना वो लगा दिया, ये इसलिए लगाई है ताकि इसके ऊपर इंसेक्ट्स या कोई दीमक का अटैक ना हो, वो इसको अंदर से लकड़ी को खाली ना कर दें। जब तक नई टहनियाँ नहीं उगेंगी तो इसके ऊपर दीमक के अटैक का ख़तरा रहता है। या तो इसके ऊपर मोम लगा दें, और या फिर ये है कि गीली मिट्टी लेके गीली मिट्टी अच्छी तरह से ये इसके जो ऊपर जहाँ से हमने तना काटा है यहाँ पर अच्छी तरह मल दें, तो तब भी दीमक का अटैक नहीं होता है। मोम से ये हो जाता है कि मिट्टी का ये होता है कि बारिश हो जाती है तो मिट्टी सारी जो है वो बह जाती है सारी, तो मोम नहीं बहेगी, और ये ज़्यादा जो है ना कन्वीनियंट है मिट्टी की निस्बत। वैसे मिट्टी भी लगा सकते हैं,